वो स्टोरी है आज की कि कैसे मैं इसको भगा कर लेकर आया अहमदाबाद मेरे घर। तो बात ये है, गुड मॉर्निंग। तो अभी भी मतलब लेट व्लॉग चालू कर रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम पे बैठना है, लेकिन उसके पहले छाछ दूध लाना है। तो छाछ दूध जल्दी से जल्दी लेकर आता है, मिस जाला को देते हैं क्योंकि वो जरूरी है मायरा के लिए, और वो लेके आता हूँ फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने बैठते हैं। लेट्स गो मायरू। ए मायरू, ए आप कितने बड़े लग रहे हो बेटा, अब बड़े हो गए है ना मायू। महिरा भाई अभी नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, और आज मैंने पैकर्स एंड मूवर्स वालों को बुलाया था, तो ये सामान शिफ्ट करने में एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। तो मेरे ये एक्स्ट्रा खर्चे कहाँ से पूरे होते, तो मेरे एक्स्ट्रा खर्चे पूरे होते हैं बिनोमो से। बिनोमो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बिनोमो एक ट्रेडिंग ऐप है जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो आओ मैं आपको मेरे रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पर बिनोमो ऐप ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको मेरा यहाँ पर रियल अकाउंट दिख रहा होगा, वहां पर 19,000 रुपए आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद सिंपल आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर 3500 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 3500 मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सिंपल एक ग्राफ जो है अप जाएगा या डाउन, वो आपको डिसाइड करना है। तो मुझे लग रहा है कि ग्राफ अप जाएगा, तो ये मैंने किया क्लिक। अब जस्ट वेट, डन। देखो यहाँ पर हमने सिंपल 4900 रुपीज कमा लिए, और ये बैलेंस जो है ऐड भी हो चुका है मेरे रियल अकाउंट में। तो यहाँ से आप भी ऐसे ट्रेडिंग कर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। ये डिपॉजिट पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप यूपीआई पे क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको जो है आपका डिपॉजिट वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर कूपन बोनस पे क्लिक करना है, और उसके बाद मेरा कूपन कोड डालना, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। सिंपल आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड विजय जाला, मेरा कूपन कोड है विजय जाला डालना है। वो डालते ही आपका जो भी डिपॉजिट वैल्यू है, 350 से ऊपर आप डिपॉजिट वैल्यू करोगे तो आपका जो है डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी अगर आप 500 रुपया डिपॉजिट करते हो तो 1000, 5000 करते हो तो 10000 हो जाएगा। वैसे आपको मेरा सिंपल ये विजय जाला प्रोमो कोड जो है यूज करना है। इसके बाद मैं आपको विड्रॉल भी दिखा देता हूँ। तो सिंपल यहाँ से आप पेटीएम और नेट बैंकिंग से विड्रॉल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 24/7 चैट सपोर्ट भी मिल जाता है। तो जैसे ही आप चैट सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 24/7 चैट सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे आप भी ट्रेडिंग कर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देकर रखी है, तो जल्दी से जल्दी जाओ बिनोमो ऐप डाउनलोड करो और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। तो देखा कैसे मैंने ट्रेडिंग करके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा ली है। तो आप भी ऐसे ट्रेडिंग कर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके बिनोमो ऐप डाउनलोड करो, और मैंने पिन कमेंट में भी लिंक देके रखी है, और आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके अपनी डिपॉजिट को डबल भी कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी बिनोमो ऐप डाउनलोड करो और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। आधी रात को फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। तो आज हम लोग एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो हमने जो हमारी लव स्टोरी की बताई थी उसमें ये मिसिंग हो गई थी, या मतलब थोड़ी बहुत बातें बहुत सारी छूट गई थी। तो ये वो लास्ट दिन की बात है जो हमारा मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और मतलब ऐसा होगा ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, सोचा ही नहीं था। हाँ ऐसा मतलब के जो चीज के लिए भाग रहे थे वो कुछ सामने से आके कब सडनली हो गई। जैसे नहीं कि कोई चीज के बारे में आप प्लान कर रहे हो, कोई मतलब कुछ चीज लेने की या मतलब कुछ होने की या किसी मतलब पाने की इच्छा, जो मतलब ऐसा लगता हो कि सालों लग जाएंगे, होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन सडनली फुल स्टॉप में सडन आ जाए, चेंज हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि तुरंत हमको मतलब अच्छा ही हो गया बराबर। तो ये वो स्टोरी है कि जो हम दोनों ने शादी करने का सोचा था, बेसिकली मैं जब इसको भगा कर लेकर आया बराबर, वो स्टोरी है आज की कि कैसे मैं इसको भगा कर लेकर आया अहमदाबाद मेरे घर। तो बात ये है कि डेट तो इसको मालूम होगा, ये अपने को डिटेल में मालूम नहीं है। डेट कौन सी थी? 24 अक्टूबर
24 नहीं, पहले अपने मिले थे कब? मिले थे 23rd को। 23rd, हाँ मतलब मेरे को याद थी। अच्छा 23rd को मैं सुबह सुबह यहाँ से 5 बजे की बस पे निकला था राजकोट जाने के लिए, ठीक है। और नहीं 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 5 बजे नहीं, हाँ नहीं रात को ही निकला, हाँ रात को निकल गया था, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग तो मैं 5 बजे तो ये घर से निकली थी, हाँ 5 बजे मिले नहीं थे, तू आई थी 6 बजे 6:30। अबे याद आता ना, अभी आगे स्टोरी बता, सब खत्म। अबे आगे स्टोरी बताने जाता तो याद आ जाता ना कि हाँ भाई सुबह मिले थे तो मैं उबर अभी मैंने बोलती तो बोलते ही नहीं। अरे याद आई जाता, तो रात को निकले और मैं निकला, सुबह पहुंचा उधर और फिर 12-1 बजे की बस होगी और 5 बजे यहाँ पहुंच गए थे राजकोट में, पहुंचा 5 बजे। और फिर मैं ये भी सुबह सुबह कैसे निकले वो तो इसको पता होगा, फोन पे फोन आ रहे थे, मैं 5 बजे निकलने वाली थी और गलती से मुझसे 5:10 मतलब 10 मिनट लेट हो गई। तो 5 बजे नहीं आई थी, 6 बजे आई थी, 5:15-5 बजे निकलने से तो वो टाइम रहा ना। और आप फोन पे इतना लड़ रहे थे घर से लेके जहाँ तक मिलना था वहाँ तक फोन में ये लड़े हैं मेरे साथ। 5:45 हम मिले थे और 6 बजे हम दरगाह गए थे। हाँ तो उधर पहले मिले, हाँ। बराबर, फिर हम दोनों ने पहले से सोचा था कि मतलब पहले से सोचा था कि अगले रात को बात हुई थी कि उधर पहले हम लोग जहाँ मिलने जाते थे TGM होटल पे, हाँ। उसके पहले हम ये राजकोट में कौन सी जगह पर है दरगाह, वो हॉस्पिटल चौक, हॉस्पिटल चौक पे गेबन शाह पीर की दरगाह है, तो वहाँ पर हम गए वहाँ पर दर्शन किए, हमने शादी के लिए प्रार्थना की हमने, और उसके बाद वहाँ से TGM जाने के बीच में एक शिव जी का मंदिर आता है, तो शिव जी से भी प्रार्थना की और फिर गए हम लोग मिले। और फिर उस दिन हम साथ में रहे, फोटोग्राफी उस दिन ही घूमे थे ना शायद, उसी दिन ही घूमे थे, हाँ उस दिन हम लोग घूमे भी थे राजकोट, पहले गए उधर फिर मिले और उसके बाद हम लोग पूरा राजकोट घूमे। और राजकोट घूमने के बाद शाम को मतलब वापिस हम लोग थोड़ा बहुत घूम के 3-4 बजे वापिस गए, हाँ, होटल पे। उस दिन मेरे को काम था तो फिर 3-4 बजे हमने फोटोग्राफी की, हाँ। मेरे लिए गिफ्ट्स में 2 जोड़ी मतलब वो टॉप और वो सब लाए थे, ये सब तो हमने उसमें फोटोशूट किया था। और फिर जॉब का बहाना मार के आई थी, पहले सुबह तो उधर जाती थी क्या वेट लिफ्टिंग के लिए, वो भी बहाना मार के आती थी, चालू तो है ना रिकॉर्डिंग चालू, मैंने बोला ऐसा ना हो कि भाई हम लोग ऐसे ही बैठ गए बके जा रहे कुछ करना है, लेकिन मेरे छोटी हाँ मायरा थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर वापस लिफ्टिंग अपना करेगी। फिर अब यहाँ से होगा कलश, बहुत टेंशन में थे, फिर भी सोचा मतलब ये तो वो टाइम है जब हम लोग मिल रहे थे रेगुलरली इंटर मतलब एक एक हफ्ते पे, मैं यहाँ से हर हफ्ते राजकोट जाता था और हम सोच रहे थे कि शादी कैसे करेंगे, यही बीच मैं भी सोच रहा था कि भाई कैसे का मतलब इंटरकास्ट है तो कैसे मैरिज करेंगे, सब थिंकिंग चल रही थी। और जब हम होटल पे थे साथ में खाना खा रहे थे तब मेरे कजिन के 150 जैसे मैसेज आए थे, हाँ। है ना कि मैंने ना सिर्फ ये बात मेरी कजिन को बताई थी तो उसने बोला कि मुझे पता है कि तू ऐसे रिलेशन में है लेकिन प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम्हारे लिए हमारे घर से लड़का देख रहे हैं, तुम देख लेना, हमारी कास्ट में ही करना, कहीं और मत जाना, ऐसे करके 150 मैसेज थे व्हाट्सएप पे, 150 तो थे सही में थे, हाँ, मेरे को दिखाए। और हम इतने टेंशन में आ गए थे, फिर हमारा मूड भी ऑफ हो गया, बेसिकली वो इसको डांट रही थी समझो, हाँ। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं ऐसा करूँ कि वो लोग जहाँ पे बोल रहे वहाँ मैं कर लूँ और फिर वहाँ से तोड़ के यहाँ आ जाऊंगी, फालतू बातें कर रही थी मैं कि बोलो ये लोग पहले जहाँ करवा रहे हैं मेरी शादी वहाँ कर लेती है फिर उधर से तोड़ के आ जाओ, क्या पागल होगी। देखो कोई भी आदमी ऐसे टाइम में कुछ ना कुछ सोचता है, मैं भी कुछ ना कुछ सोचता था, ये भी कुछ ना कुछ, क्योंकि भाई दिमाग सही से उस टाइम काम नहीं कर रहा था कि भाई कैसे करेंगे क्या होगा मतलब होगा कि नहीं होगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, सब चल रहा था तो कुछ भी थिंकिंग आती थी कि भाई ये कर लेते वो कर लेते, ये सब बातें आती थी। फिर
ये सब जला और फिर इन्होंने कहा कि कुछ भी हो अगर तूने मेरे साथ नहीं की तो मैं तुझे घर से भगा कर ले जाऊंगा। हाँ। तो मैंने बोला था कि शादी तो और दिवाली तक का टाइम है वरना मैं करूंगा तो तेरे से। हाँ, मैंने बोला था, मैंने बोला मतलब वो टाइम तो दिवाली से कुछ 2 महीना बाकी था, मैंने बोला था एक तेरे को टाइम चाहिए, मतलब टाइम मांग रही थी, मतलब इसका तो एक ही रटना था टाइम 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 टाइम। मैंने बोला था कि मैं तो 2-3 साल की बात करूंगी, लेकिन हो ही रहा था कि ये मेरे बिना रह नहीं पा रहे थे, सो हो गया। बात तो सही है। तो फिर मैंने इसको बोला था कुछ भी अगर करना है तो कह ले, बाकी दिवाली तक तो तू घर पे बता ही देना, ऐसा ऐसा सीन था। तो मतलब वो हमारा एक लॉक हुआ था कि भाई हाँ दिवाली तक, दिवाली दिन में आने में कुछ 2-3 महीने बाकी थे तब तक बता देंगे। लेकिन फिर सडनली जो हुआ वो आगे की कहानी, और ये तब हुआ जब मैं इससे मिलकर ये मेरे को छोड़ दिया जहाँ पे मेरा स्टॉप था वहां पर, और वहां से मैं निकल गया घर आने के लिए, और आगे की स्टोरी ये बताएगी। हाँ, और ये 5-6 बजे मैंने इनको छोड़ा ग्रीनलैंड पे, और हमारा मेमो तभी खींच गया होगा, हमें पता नहीं था। एक्टिवा पे, ये जो एक्टिवा पे, ये एक्टिवा इसकी लेके आती थी उसमें ई मेमो आ गया था जिसमें ये चला रही मैं पीछे बैठा हूँ। लेकिन वो अब तो मैं इसको भगा के लिया, वो बाद में मेमो तो थोड़ा टाइम बाद, शादी के बाद मेमो पहुंचा। अब ये आगे की स्टोरी बता। तो फिर मैं घर पे गई तो कजिन और वो सब आए थे और सब बोल रहे थे कि ये रिश्ता अभी गया है हमारी कास्ट का, ये लड़का ऐसा है, अच्छा कमा रहा है, ये सब। तो अब मैंने सोचते कि यार ये लोग सच में करवा देंगे तो मैं क्या करूँगी। तो फिर वो लोग गए, मैंने हमें हाँ मिलाई, फिर वो गए और फिर मैंने घर पे बोल दिया कि मेरे को शादी करनी है। पापा बोले क्या? ये बोला मुझे 15 दिन में शादी करनी है। क्या 15 दिन में? फिर बोले कि ठीक है हमारे कास्ट में देखते हैं, और तुम्हें भी हमारे कास्ट में कोई पसंद हो तो बोलना। फिर मैं कुछ बोली ही नहीं, पापा ऐसे दूसरी कास्ट का है। मैंने बोला हाँ, क्यों खींचे? एक खींचे। फिर बोला कौन है? मैंने बोला जी यूट्यूबर विजय जाला। भाई बोला पता था, घर पे वीडियो लगाती थी तभी पता था, और जो 2-3 वर्ड तेरे लैंग्वेज में चेंजेस आए थे, अहमदाबाद की भाषा आ गई थी, पता ही था। और यू घुमाई 15 तक मुझे वो खींच दी। बोल भाई वो नॉर्मल है, बराबर अगर कोई भी बाप अगर सुनेगा तो ये नॉर्मल है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दो कितने 4-5 थप्पड़ तो खाए थे बराबर, तो वो भेजी गए। और आगे बता। ज्यादा खाई थी। फिर वो लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि मेरे को कान में दर्द, नाटक किया बेसिकली। हाँ, तो वो मेरे को ज्यादा दुख रहा है। हाँ, तो फिर तब छोड़ दिया। फिर सबने कहा कि तू खुश रहेगी, तू श्योर है, ये सब। तो मैंने बोला फिर जब अब बात मीटिंग पे आगे बैठ के बातें चीते कर रहे हैं लोग, क्या बताओ क्या है? ठीक है तू बुला ले अभी बुला ले उसको। मैंने बोला पापा वो अहमदाबाद बुला रहे अभी फोन करके। तब डर मुझे ये था कि ये किरदार के लिए इतने बाल बढ़ाए थे और इतने पतले थे। मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे उस टाइम, मतलब समझो यहाँ तक के मेरे बाल थे, दाढ़ी बड़ी। अगर ये अच्छे खासे कमा रहे ना, फिर भी इनका कोई ये लुक, मतलब कोई लड़के वाले लुक देखेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे पापा का ये डर था, मेरे पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और हर ख्वाहिश पूरी कर ही रहे, लेकिन ये इनके बाल ऐसे थे ना। तो फिर रात को 11 बजे मैंने मैंने घर पे ये बात कर दी, पापा ने बोला कि ठीक है तू बुला ले। पापा को मतलब कंफर्म करना, एक बार फोन किया तो ये इनका फोन लगा नहीं, तो मैंने इनके मम्मी को फोन लगाया। उनके मम्मी बोल रहे निकल जा, कोई बात नहीं आ जा। मतलब मेरी मम्मी को इसने फोन किया कि मेरे घर से ऐसा बोल रहे कि विजय को बोलो आज के ले जाए, तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ कोई नहीं आ जा। और इसमें ये हुआ कि मैं वहां से राजकोट से निकला था, अभी घर पहुंचा था जस्ट, और घर पहुंच के मतलब मैं कई मतलब जैसे घर पहुंचा मेरे, मतलब रात को 11 बजे मैं घर पहुंचा, और मैं कुछ काम था मेरे को, तो मैं घर से 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर दूर कुछ काम से गया, और रिटर्न वापस घर आ रहा था, तो इसको मेरे को कॉल आया, और मैसेज पढ़ा मैंने, कॉल भी आया, मैसेज में ये लिखा था बाल कटवाओ और मुझे लेने आओ। मैंने बोला है बाल कटवाओ और मुझे लेने आओ अभी? और रात को मैं अभी तो सुबह इससे मिलके ये सब आया हूँ, रात को घर पे पहुंचा हूँ और ये मैसेज पढ़ रहा हूँ बाल कटाओ और अभी आओ। और एक तो ठंडी थी, बहुत ठंडी थी उस टाइम। मैंने उसे ये क्या है यार, फिर इसे बोला नहीं यार ऐसा ही, फिर मैंने इसको कॉल पे बात की क्या ऐसा ऐसा, मैंने घर पे बता दिया है बोले, और पापा बोल रहे कि बुला ले लड़के को, आपको आना ही पड़ा था, अब भाई अपने ने इसको प्रॉमिस किया था कि कभी कुछ भी होगा तो मैं खड़ा हूँ, मैं आ जाऊंगा, मतलब
तेरे घर पे भी कभी कुछ होगा तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा तब इसने बुलाया तो मेरे को जाना था ही। लेकिन मैंने इसको बोला कि भाई मैं बाल कैसे कटवाऊं अभी के अभी रात को 11 बजे, कौन बाल काटेगा। मैं बोल रही कि मैं आऊंगा तो ऐसे ही आऊंगा, मैंने इतना गुस्सा किया और फिर फोन ही पकड़ा। हां ये लड़ रही थी मेरे से कि नहीं बाल कटाए बिना कैसे। मैंने बोला अरे यार रात को 11:30 बजे कौन मेरे बाल काटेगा, या तो फिर मेरे को सुबह बाल कटवा के आना पड़ेगा। बोले नहीं आना तो अभी के अभी है। तो फिर मैं देखो उस टाइम क्या हुआ कि मैं सुबह मतलब पिछली रात को निकला था, सुबह राजकोट पहुंचा, पूरे दिन इसके साथ रहा, फिर वापस रिटर्न अहमदाबाद आया। अब मेरे को ये बोल रही रात को वापस आना तो मेरे को वापस जाना था। तो अभी एनर्जी कितनी होगी बंदे, कल रात से तो जग ही रहा हूँ। फिर मैं जल्दी से जल्दी गया, उस टाइम मेरे को शुगर नहीं था, मतलब पता नहीं था शुगर तो होगा ही शायद। फिर मैं तब रेडबुल के दो या तीन लेके आया। मैंने बोला अब चाहिए एनर्जी क्योंकि रात को वापस निकलना था। फिर मैंने मेरी मम्मी को बुलाया, मैंने बोला मम्मी ऐसा ऐसा है, ये ऐसी ऐसी बात आई है बराबर, मतलब इसने ऐसा बोला है कि आ जाओ मेरे नहीं देख क्या। हाँ तो मैंने बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है कि इसके घर से बोला है ऐसा कि भाई आ जाओ लेने, और मैं क्या करूँ ऐसा। तो मम्मी ने मतलब इसने पहले ही फोन तो कर ही दिया था मम्मी को कि हाँ ऐसा ऐसा है मेरे घर पे। तो मेरी मम्मी ने बोला था आ जा। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बात बोली कि कोई नहीं जाना तो पड़ेगा बराबर, क्योंकि मेरे मम्मी को तो पता था हमारे रिलेशन के बारे में, ये बात भी करती थी मम्मी से पहले से। तो बोले कोई बात नहीं जा, जाकर लेके आ। और फिर उस टाइम पे मैंने एक हमारे भाई थे उनकी i20 का मैंने बोला, लेकिन वो दूर थे, उन्होंने बोला कि जो मैं आप रेगुलर देखते हो जो मैं मोगलबाग के मंदिर जाता हूँ, तो उनको उससे भी डबल दूर से आना था। तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता हूँ और वो भाई वहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो उतना टाइम बच जाएगा। तो मैं मेरे अभी आप जो ब्लॉग में कभी कभी एक्टिवा देखते हो वो एक्टिवा लेके निकल गया बराबर, बैग में एक जोड़ी कपड़े डाले, कपड़े भी शायद नहीं डाले थे क्योंकि मेरे को कपड़े का कोई काम नहीं था। और मैं रात को घर पे बोल के मैं कुछ एक सवा एक बजे के आसपास मैं वापस एक्टिवा लेके निकल गया। अब मेरे को एक्टिवा लेके जाना था 53 किलोमीटर दूर, और उसके बाद वहाँ पर जाकर वो मंदिर में मेरे को वो भाई जो मेरे थे गाड़ी लेके आने वाले, अब इसको लेने जाना है तो मैं बस में तो जा नहीं सकता बराबर, क्योंकि थोड़ा वो डर भी लग रहा था। और फिर मैंने बोला चलो, उनको बुलाया था मैंने, तो मैं एक्टिवा लेके जा रहा था। तो मेरे घर से मैंने कुछ 8 किलोमीटर जैसी गाड़ी चलाई होगी, 8-10 किलोमीटर जैसी। और भाई जो आप अगर कोई अहमदाबाद में रहता तो उसको पता होगा जो नारोल के बाद जो साबरमती का ब्रिज आता है बराबर, विशाला से पहले, विशाला और नारोल के बीच में जो साबरमती का ब्रिज आता है, तो वहाँ पर रात को 1:30 बजे मेरी एक्टिवा का इंजन ब्लॉक हो गया बराबर, एक्टिवा चालू नहीं हो रही थी। रात को 1:30 बजे मैं उधर खड़ा था। फिर वहाँ पर दो लड़के आए, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा हुआ ये चालू नहीं, तो बोले भैया इधर मत खड़े रहो, आओ मैं आपको धक्का मार देता हूँ, विशाला तक 4 रास्ते पर जाके खड़ा रहो, ये जगह सेफ नहीं है खड़े रहने के लिए, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया थैंक यू, चलो मार दो धक्का। तो उन्होंने धक्का मार के मेरे को विशाला 4 रास्ता तक ले गए। अब मैं क्या करूँ, अब मैं सोचा कि यहाँ पर मेरे को एक्टिवा रख देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो मैंने सोचा कहाँ पर रखूँ। फिर मैंने एक बंदे को पूछा तो उसने बोला कि तो आगे थोड़ा आगे चले जाओ, मतलब यूँ सरखेज साइड, तो वहाँ पर एक पुलिस चौकी है वहाँ पर रख देना तो सेफ रहेगी। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने पुलिस वाले को ही पूछा था। फिर मैं वहाँ से थोड़ा मतलब एक्टिवा को ऐसे ऐसे लेके गया वहाँ तक, कुछ वो होगा कुछ 800 मीटर या 1 किलोमीटर जैसा, तो उतना मैं लेके गया। फिर वहाँ पर पुलिस वाले भैया थे, उनको पूछा, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा मेरी गाड़ी बिगड़ गई है तो मैं इधर रख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, वो जाके पीछे रख दो और लॉक कर देना। फिर वहाँ पर मैंने लॉक की। अब मेरे को मंदिर तक तो पहुँचना ही था क्योंकि वो भाई को मैंने बोल दिया था कि मैं मंदिर तक आ जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रक वाले को भी हाथ बताना चालू किया और मैंने सबको हाथ बताना चालू किया, लेकिन सडनली एक रिक्शा वाले अंकल निकले, तो मैंने उनको रोका, मैंने बोला अंकल, तो उन्होंने रोका, बोले कहाँ जाना है। तो मैंने बोला कि कहाँ तक जाओगे, तो बोले आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला बहुत दूर, बोले कहाँ। मैंने बोला बावड़ा जाना है, मतलब बावड़ा के आगे मंदिर है, तो बोले बैठ जाओ। मैंने बोला पैसा कितना लोगे, तो वहाँ से कुछ 40 किलोमीटर होता है, तो बोले 500 रुपया लगेगा। अब रात को भाई ये तो सोने पे सुहागा है, ये तो मतलब भगवान साक्षात आ गए, ऐसा हो गया कि रिक्शा वाला यहाँ से वहाँ तक का, मतलब वो हाईवे है वहाँ तक कोई रिक्शा ऐसे शटल जाते नहीं, वहाँ से अगर आपको मैं जो मंदिर की बात कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचना है
तो आपको 3-4 रिक्शा अलग अलग करके वहां तक पहुंचना पड़ता है, और उसमें भी कुछ आपके 80-90 रुपये तो हो ही जाते हैं अगर दिन में भी आप आओ तो। लेकिन वो बंदे ने मेरे को रात को बोला मैं कि आपको डायरेक्ट सीधा सीधा मंदिर छोड़ दूंगा 500 रुपये। मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल चलो। तो मैं उनके साथ बैठ गया और वो मेरे को लेकर गए वहां पर मंदिर पे, और मंदिर पर जाकर मैं थोड़ी देर सो गया और फिर सुबह हो गई थी 5-4 बज गए थे, और 4:30-5 बजे वो भाई आए, और वो भाई आके मेरे को कॉल कर रहे, लेकिन मैं कॉल उठा नहीं रहा, मैं फुल नींद में था क्योंकि सोया ही नहीं था। और फिर मंदिर की आरती भी हो रही थी और उन्होंने आकर मेरे को उठाया कि भाई चलो। फिर मैंने बोला चलो, मुँह फ्रेश धोया, फ्रेश हुआ वहाँ से, फिर वहाँ से निकला हम राजकोट के लिए। फिर राजकोट जाते जाते भी मैं सो गया क्योंकि मेरे को पता था कि आगे जाके पूरा दिन मेरे को कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई काम रहने वाला, फिर वापस भी आना था। फिर हम दोनों राजकोट पहुँचे और इसको बोला कि भाई मैं आगे, अब तू बता क्या है। फिर ये आगे इसके साथ साथ घर पे, इसके साथ घर पे क्या क्या हुआ ये अब ये बताया कि मैं थक चुका हूँ, मैं पानी पी लूँ थोड़ा, तू बता। हाँ, फिर ये जब आरती के टाइम बोला ना कि ये 4 बजे सो गए थे और मैं इनको फोन पे फोन कर रही थी और ये उठाने रहे थे, मैंने सोचा अब मैं गई, लड़का बदल गया और अब घर पे जाके बोलेंगे वहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा। बहुत फोन में बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी। फिर कजिन और ये सब ऐसे बैठ गए थे गोल गोल और सब मेरे को समझा रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो, ऐसा का लड़का घूम गया अभी फोन नहीं उठा रहा, नहीं आएगा। मैंने बोला कि करूंगी तो यही, बाकी कहीं पे भी नहीं। तो फिर That's my girl. तो फिर कजिन ने बोला ठीक है सुबह ले जाऊंगा तुझे, हम लोग कर लेंगे मतलब जो है वो कार्यवाही। लेकिन सुबह हो रही है तो मैं तो उठ गई थी जल्दी से, रेडी होके बैठी उठ गई थी, क्या सोई नहीं थी। और भाई कजिन मेरा है ना, वो ये लेने जाना है आ रहा हूँ, वो काम है ये लेके आ रहा हूँ, फैक्ट्री में जाना है ये लेके आ रहा हूँ। टाइम जा रहा है और इनके दीदी के मेरे को फोन आ रहा है कि तू कहाँ क्या कर क्या रही है, निकल जाए, कब का आ गया। मैंने बोला सब ऐसे है मैं कैसे निकलूं, हर जगह कोई ना कोई बंदा है। और हमने पहले सोचा था कि हम भागेंगे तो नहीं, भागेंगे मना नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मजा नहीं है और फिर पूरी जिंदगी ना। और हमने भाग के शादी भी नहीं की भाई, सबको मना मना के ईमानदारी से मैं इसको लेकर आया हूँ घर से, प्रॉब्लम थी पहले से पता था। फिर मेरे घर पे जब उसी दिन इनको सुबह बुलाया तब कजिन मेरे पापा सब इनको मिले और सबको लगा कि सब मान गए कि नहीं हम तेरी चॉइस पे खुश है, तू खुश रहेगी। हाँ। इसके घर वाले खुश थे कि लड़की ने अगर चुना है, अगर वो खुश है, इसको मतलब बहुत बार पूछ भी लिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाँ ना सब, लेकिन ये मतलब इसका डन था, मेरा भी डन था, तो इसके घर वाले आराम से मान गए। थोड़े टाइम खफा रहे मतलब कि थोड़े टाइम मतलब देखो ऐसा कुछ भी होता है तो अपने देखो फैमिली मेंबर से कभी कभी कोई भी खबर रहता है। अगर हम देखो मियां बीवी में कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो उसी सब चीजें चलती रहती है, थोड़े बहुत खफा रहते हैं। फिर पापा और सब तो उसी दिन मान गए कि वो सब खुश भी रहे, चलो नहीं लड़का अच्छा है तो हमें अब कोई डर है नहीं। तो इज्जत से वहाँ पर अलग कास्ट और लगेगा ऑब्वियसली लगेगा, आज मेरी बेटी हुई है मेरे को भी पता है बराबर। तो सब लोग इसके घर पे मान गए, सब लोग राजी हुए सबसे मिलके। फिर उनकी बकायदा मैं परमिशन लेकर उनको मतलब मनाया कि हाँ भाई मैं खुश रखूंगा। सबने मेरे को बहुत बोला कि भाई हमारी बच्ची को ऐसा ऐसा जो टिपिकल चलता है कि ये है वो है। मैंने बोला कोई टेंशन मत लो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पहले से एक दूसरे को प्यार करते हैं, हमने ये सोच के ही रखा था कि एक दिन ये होगा और हमको साथ में ही जिंदगी आगे बितानी है। मेरे घर पापा सही थे और हर लड़की के पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, चिंता तो होगी ना, होगी होगी ऑब्वियसली। हाँ, कोई भी तो फिर और हमें जब मिलने वाले थे ना तब हमको डर भी था कि ये अलग कास्ट के मैं अलग कास्ट के लड़ाई हो सकती है। तो पहले मैंने इनको फोन में ये बोला था कि जब हमने जो जगह डिसाइड की वहाँ पे हम आएंगे, अगर मैं फोन पे एक बार हेलो बोल रही हूँ तो आप समझ लेना कि सब ठीक है, अगर मैं दो बार कि हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है हेलो, तब आप आना ही मत वो जगह से, भाग जाना। देखा कैसे फुल सेफ्टी रख दी इसने। हाँ, हमने ये कोडवर्ड रखा था है ना, और हमारा कोडवर्ड काम भी आ गया था। सो बस अच्छे से हुआ, फिर सब कार्यवाही निपटा ली और फिर हम निकल गए। हम निकले होंगे सुबह 11-12 बजे निकल गए। मैं तो हार वार भी लेके गया था। हाँ। मैं ये बोले हार वार ले लेना,
तब मैं 2200 रुपया लगा था, 2200 के नहीं 1200 रुपया लगा था, और उसमें भी दूसरे दिन वो यूज किया और खुद के लिए अच्छा और मेरे भाग में टूटा हुआ आया था। अरे पागल है, अभी देखो मेरी बात सुनो, मैंने हार लिया था, 1200 करनी है, करेंगे धाम धूम से करेंगे, सबको बुलाएंगे, आप सबको आना है, हाँ सबको भी एंजॉय करेगी और हम दोनों की शादी, मैया भी नाचेगी सबको, हम दोनों की शादी, सबको तो आना ही आना। तो फिर वहाँ पर सब जो भी था सब कार्यवाही खत्म करके फिर वहाँ से कुछ कितने बज गए सब, मैं हम नए ज्यादा हो गया था अपने को 3:30 नहीं राजकोट में से निकलते ही 3:30-4 बज गए थे, सब लोगों से मिले सब में बहुत टाइम गया भाई, और उसके बाद 3:30 बजे निकले हम। फिर भी मेरे को देखो अंदर से सही बोल रहा हूँ, मेरी फट रही थी तो भी फट रही थी। इसकी भी फट रही थी, तो हम दोनों ने सोचा कि सीधा सीधा राजकोट से जो अहमदाबाद हाईवे जाता है, फिर भी हम घूम घूम के जा रहे, फिर हम लोग कहाँ से आए थे मेरे को अभी भी याद नहीं, लेकिन मेरा जो भाई था क्या नाम था, दिव्यराज भाई, तो उनके उन्होंने बोला कि मैं अपने हिसाब से घुमा घुमा के ले जाऊंगा, टेंशन मत लो, बराबर ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, सबसे मिलके सबसे बातचीत करके आ रहे थे। फिर भी ये सडनली हुआ था, ये सोचो ये तकरीबन 36 घंटे के अंदर ये सब कांड हो गया। हम लोग मैं तो घर से निकला पहली बार इससे नॉर्मल मिलने के लिए, यू सोच लो कि भगवान हम पे उससे दिन सुबह 6 बजे का मेहर हो गया, 6 बजे गए मेरा, दूसरे 6 बजे तो ये मेरे घर पे थी, दूसरे दिन सुबह नहीं शाम को रात को बराबर, क्योंकि ये दूसरे दिन तो मैं आया। क्या हुआ कि भगवान पे मेहर हो गए, कैसे कह सकते कि दोनों की फैमिली मान गई, मेरी फैमिली तो मानी हुई थी, हाँ। इसकी फैमिली भी मान गई, सडनली सब हो गया, हो गई, और हमें अच्छी ये कैब भी मिल गई, और वो भाई भी ऐसे थे कि जो फुल सपोर्ट, अभी सोचो कैब 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 ड्राइवर कोई ऐसे काम में, मतलब मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं ऐसा ऐसा जा रहा हूँ और लेने जाना है, तो भाई बोले हाँ कोई बात नहीं चलो, बराबर क्योंकि वो लोग वो पहचानते थे अपने को पहले से, हमको पहचान देते, रिस्क वाला काम कोई सगा भी नहीं करे। तो भाई ये तकरीबन सुबह में सुबह 6 बजे से हम लोग गिने, तो मैं हार्डली 40 घंटे के अंदर, मतलब हमको कोई आइडिया भी नहीं था, हम एज अ नॉर्मल रूटीन जो शादी से पहले लड़का लड़की रेगुलर जो जो अपने टाइम पे मिलते हैं वैसे हम मिलने आए थे, और सडनली वो हम लोग दरगाह गए, मंदिर गए, हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि भाई 3-4 महीने बाद ये घर पे बताएगी, शादी का तो सोचा ही नहीं था, बताने का सोचा था 3-4 महीने बाद, और 40 घंटे के अंदर अंदर ये मेरी बहू बन के घर पे आ गई थी, मतलब उस शादी तो उसके एक दिन बाद मंदिर में गई, कार्यवाही में तो कर ली थी, बराबर कोर्ट में तो हो गया था, करके ही राजकोट से निकले थे, और भाई ये 40 घंटे में मेरा घर पे पहुंच गए हम लोग, कुछ 11-12 बज गए थे, हम तो पहुंच रहे थे 11-12 बज गए थे, और यहाँ पर जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे घर वाले भी सबको कॉल, मतलब मम्मी ने कर दिए थे, तो पूरे मेरे कुटुंब में भी पता चल गया था भाई ऐसा ऐसा हुआ है और मैं बहू लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे घर पे भी सब लोग रेडी थे और सब लोगों ने शानदार हमारा स्वागत भी किया, और वो तो वीडियो भी दिखा था आपने, नहीं वो वीडियो नहीं है, फिर मुझे पायल और कंगन पहनाए गए, और फिर सारा जो भी साक्षात क्या बोलते हैं वो कंकु पगला भी साक्षात नहीं यार क्या बोलते हैं यार जो भी विधि होती है जो भी साक्षर बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं वो सब मतलब मेरे को इतना पता नहीं सॉरी क्योंकि अपने इतना डीपली नहीं पता, तो ये सब हुआ और सारी विधि के हिसाब से क्योंकि देखो ये सब चीज़ों में मम्मी पापा और बड़े लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि बहू कोई आ रही है तो मतलब पहले घर में पैर रखेगी तो क्या क्या होगा जो हमारे में होता है, तो हमारे में जो जो हो रहा था मम्मी ने उन लोगों ने सबने किया, और फिर ये आई घर पे और हमने सबने खाना वाना खा के शांति से बैठे, और फाइनली ये 40-42 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। उसी दिन रात को फिर हम घर पे पहुंच के दाल चावल सब्जी रोटी ये सब था तो हमने खाया, दाल चावल तेरे को याद भी है इसको बोलो, हाँ याद है, खाना मुझे ऑलवेज याद रहता है, तो बोल। तो फिर ये बाहर जा रहे हो और मैं किचन की विंडो थी वहां से इनको बोल रही हूँ कि जल्दी आ जाना। तो भाई ऐसे हम लोग मिले, ये स्टोरी देखो ऐसा किसी के साथ मेरे को नहीं लगता कि हुआ होगा, बराबर के कोई प्लानिंग नहीं था, कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, हमारी स्टोरी अलग, 40 घंटे में ऐसा हो गया भाई, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही में कसम से ऐसा ही हुआ है।
बराबर। और अभी कभी कभी सोच रहे तो हमें भी झटका लग रहा है, हम लोग भी सोच रहे हैं भाई कि आपने अगले पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको भी पता होगा कि कितने टाइम में सवा महीने के अंदर अंदर तो ये घर पे आ गई। तो अब सवा महीने में हमने पहली बार इससे बात की और सवा महीने के अंदर एक महीने आठ दिन के अंदर अंदर ये मेरे घर पे विद फैमिली विद फैमिली और द कास्ट। अरे बाप भगवान, तो मेहर हो गए और मेहर हो गए तो मायरा भी दे दी, मायरा भी आ गए। काफी सारी लोगों की कमेंट्स आ रही है कि ये प्रॉब्लम है शादी में, ये है आप ना पहले पहले फैमिली से बात करो भाई। देखो हम मैं ये बोल रही हूँ, पहले आप ये श्योर करो कि सामने वाला बंदा या बंदी श्योर है ना, वो कुछ भी बदलेगा नहीं ना। पहले ये करना, फिर फैमिली को मनाना और साथ में देखो हमारी दोनों की प्रार्थना करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्योर ही रहना, हमारी दोनों की फैमिली अभी भी खुश है, पहले भी खुश थी, मान गए, अभी हम लोग सब साथ में रहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप कर सकते, बाकी आप अपना देख लो भाई, सॉरी, क्योंकि इसमें फैमिली मैटर करती है। फैमिली के बिना किया होता भाई तो फिर आज इतने खुश तो नहीं रह पाते, और किसी का सपोर्ट भी नहीं होता। अभी आधी रात को यहाँ आ गए, यहाँ किसी को भी फोन करे ना कोई भी हाजिर हो जाता है, मतलब साथ में है ऑलवेज। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया, स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर करना। और डेली सब बोल रहे कि कौन कौन शादी में आएगा दूसरी बार, चलो बाय, लव यू।